कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले से, जब अर्थ एंड हेवन जो थे वो अलग हो गए थे। इस समय पर 6 क्लैंस बने एंड ये क्लैंस जो थे वो हर समय वॉर में रहते थे। लेकिन इस समय में द सोल्जर मास्टर आता है एंड कई हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। द सोल्जर मास्टर ने इतने सारे लोगों को मारा था कि जब भी लोग रिवर को देखते थे तब वहाँ पर पानी की जगह खून बहता था। इतने ज़्यादा लोगों को मारने के बाद द सोल्जर मास्टर जो था उसने ब्लड सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया एंड जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं उन सब की स्पिरिट्स को एक जगह पर इकट्ठा किया अपने फ़ायदे के लिए। उसने 6 क्लैंस के हीरोज़ को भी रोका एंड वो एक तरीके से एक इनविंसिबल बन गया। लेकिन आगे चलकर जो सोल्जर मास्टर जो था उसको सील कर दिया गया एक स्टोन टैबलेट में एंड वो अपने मास्टर का वेट करता रहा। इस समय में उसकी आत्मा जो थी वो धरती के इर्द गिर्द भटकती थी। अब हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने सामने बैठे हुए आदमी को बताता है कि हाउ एंसेस्टर ने एक फॉर्मेशन को बनाया था जिसे कि स्पिरिचुअल क्वी चाहिए होती है, इसीलिए हमें फिर से वॉरफेयर की ज़रूरत है। इतने समय बाद जो हमारी क्लैन ने रिसर्च की है उसे यही पता लगता है कि जो फॉर्मेशन की पावर है वो इंडीड इंक्रीज हुई है। अब उसके सामने बैठा हुआ आदमी कहता है कि क्या तुम्हारे इस प्लान को पहले से टेस्ट किया गया है। सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ बिल्कुल। अब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने इस चीज़ पे 3000 साल लगा दिए हैं, उनके एंसेस्टर हाओ की फॉर्मेशन को ढूंढ लिया गया है। अब हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है जो कि जेम्स होता है एंड ये आदमी एक मॉन्स्टर रेस का आदमी होता है जो कि बायजी क्लैन से बिलोंग करता है। वो आदमी बताता है कि जब खून गायब हो गया था तो एक ग्रेट चेंज हुआ। वो आदमी अपने आप को सबसे ग्रेटेस्ट जीनियसिस में से एक बताता है। अब तभी हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि जेम्स से कहता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। अब जेम्स उसे बताता है कि मेरी फॉर्मेशन को किसी भी लिविंग आदमी की मौत नहीं चाहिए होती है। अब जेम्स उस आदमी को बताता है कि उन्हें सिर्फ लोगों की स्पिरिचुअल क्वी चाहिए एंड उन्हें उन सारी स्पिरिचुअल क्वी को एक जगह पर इकट्ठा करना है। अब ये सुनकर वो आदमी हैरान होकर खड़ा उठता है एंड कहता है कि जो स्पिरिचुअल क्वी होती है वो हर क्लैन के लोगों के पास अलग होती है। जहाँ पर भी कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड होता है वहाँ पर एक एंडलेस स्पिरिचुअल क्वी होती है। अब ये सुनकर जेम्स उसे बताता है कि क्या वो वेपन मास्टर को भूल चुका है। उसका फॉर्मेशन जो है वो वेपन मास्टर के मैजिक पावर को स्टिमुलेट कर सकता है जो कि उनके एनसेस्टर की लेगेसी पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि वो नेचुरली किसी के भी स्पिरिचुअल क्वी को ले सकते हैं एंड अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो जितने भी क्लैंस हैं वो सब क्लैंस के लोग उनके मॉन्स्टर क्लैन का खाना बनेंगे। अब वो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि फॉर्मेशन कैसे चल रही है तो जेम्स उससे बताता है कि इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। अब जेम्स आगे जाता है एंड अपनी लकड़ी से एक जगह पर मारता है जिसकी वजह से वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं समझ गया। अब जेम्स उसे बताता है कि हमें एक दूर की जगह चाहिए नहीं तो हमें छिपना होगा, अगर किसी ने भी उनके मूव को नोटिस कर लिया तो वो लोग फंस सकते हैं। तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि अब समय आ चुका है हमारे हाथ को गंदा करने का। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि एक विलेज पे काफ़ी ज़्यादा तेज तूफान चलने लगता है। सब लोगों के बीच में अफरा तफरी मचने लगती है। अब तभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं एंड उसकी तरफ देखने के बाद वो सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। अब तभी हम युआन को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल होता है। वो शराब में धुत होता है एंड वो भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है तभी उसे पता चलता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि उनकी तरफ चलते हुए आ रहा है। अब तभी हम देखते हैं सारे लोग धीरे धीरे करके नीचे गिरते हैं एंड उनकी सोल जो होती है वो उस बड़े इंसान की तरफ आ रही होती है। अब तभी हम एक लेडी एंड एक बच्ची को देखते हैं। अब तभी वो लेडी भी नीचे गिर जाती है एंड अपनी मम्मी को नीचे गिरता देख कर वो बच्ची अपनी मम्मी को पुकारती है। अब जैसे ही वो बच्ची उस बड़े इंसान की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं उसका बड़ा भाई है एंड उस छोटी सी बच्ची का नाम नियो नियो है। अब तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची भी बेहोश होने लगती है एंड ये देखकर उसका मुंह बोला भाई अपने उस बुरे सपने से जागता है। अब कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली शी होता है एंड ये ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है एंड इसका क्लैन एक मडमैन क्लैन है। ली शी जो है वो एक फिशरमैन है एंड सब लोग इसे लिटिल स्टोन के नाम से बुलाते हैं। अब ली शी बताता है कि 8 साल हो गए उसको पहली बार ऐसा भयानक सपना आया। ली शी एक फ़िश का इंतज़ार कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर फिशों में से एक होती है। ली शी एक मून आइलैंड नाम की जगह पर होता है। ली शी को ये फ़िश चाहिए होती है तभी वो अपनी सिटी लिनहाई सिटी में एंटर कर सकता है। तभी ली शी देखता है कि वो फ़िश जो है वो पास आ रही है तो वो पानी के पास जाता है। अब वो उस मछली का
जाल में फंसने का इंतज़ार करता है एंड मछली के जाल में फंसते वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी मछलियाँ जिनका सर कुत्ते का होता है एंड बॉडी मछली की, वो लीशी की तरफ बढ़ने लगती हैं। उसी तरफ लीशी इस चीज़ से अनजान खुशियाँ मना रहा होता है क्योंकि वो इस फिश का 3 दिन से इंतज़ार कर रहा था। अब जैसे ही वो उस मछली की तरफ जाने की कोशिश करता है तभी उस पर वो मछलियाँ हमला कर देती हैं। लीशी देखता है कि जिस मछली को उसने पकड़ा है वो मछली काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है बाहर जाने की, लेकिन दूसरी तरफ उस पर कुछ मछलियों ने भी हमला कर दिया है। अब लीशी एक अच्छा फाइटर होता है तो वो उन सभी मछलियों को दूर भगा देता है एंड तभी अपनी नाव पर बैठता है एंड एक स्पेशल टाइप की मैजिक स्ट्रिप को यूज़ करता है एंड अपनी बोट को अपने आप चलने वाली बोट में तब्दील कर देता है। अब तभी वो उस मछली के पास जाता है एंड वो मछली कोई ऐसी वैसी मछली नहीं, 7 कलर फिश होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। तभी लीशी देखता है कि 7 कलर फिश जो है वो भागने वाली है तो वो ऊपर हवा में उसे पकड़ लेता है एंड अपनी बोट पर रख लेता है। अब वो मछली काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है लेकिन लीशी उसे नहीं छोड़ता एंड पकड़ के रखता है। आखिर में वो फिश जो होती है वो शांत हो जाती है एंड इसी बीच लीशी अपनी बोट का एक कबट को खोलता है एंड उस कबट के अंदर पानी होता है। लीशी उस फिश को उस पानी के अंदर डाल देता है एंड बाहर बैठ जाता है। अब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो वो बोट पर बैठे बैठे अपनी बहन के बारे में एंड उसकी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड हम उसी ब्यूटीफुल सिटी को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी लीशी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि कल ही उस फिश को सबमिट करने की लास्ट डे होती है। अब तभी वो बंदा लीशी के अंकल को देखता है जो कि नशे में बिल्कुल धुत होता है। सीन चेंज होता है एंड हम न्यू न्यू यानी कि उसकी मुँह बोली बहन को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ घूम रही होती है। अब न्यू न्यू एक कैंडी शॉप में जाती है एंड अपने डैड से कैंडी खरीदने के लिए कहती है तो उसके डैड उसे कैंडी खरीद के देते हैं एंड अपनी मॉम को दिखाते हुए वो कहती है ये बिल्कुल भैया की तरह दिखते हैं, मैं हूँ किंग ऑफ द फिश मार्केट। अब दूसरी तरफ हम लीशे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है एंड थकान के कारण वो अपनी बोट में ही सो जाता है। अब वो इस चीज़ से अनजान होता है कि उसकी बोट काफ़ी ज़्यादा हिल रही है एंड पानी में भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लीशी के बोट के नीचे 7 कलर फिश की 7 कलर फिश की मॉम है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब दूसरी तरफ लीशी ने जिस 7 कलर फिश को पकड़ा होता है वो भी अपने मॉम को बुला रही होती है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।